डार्कनेस के पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार में 20 साल के लीव को देखा गया, जिसके बाद शो में नए कलाकारों की एंट्री हुई और सई विराट को ना चाहते हुए भी शो को अलविदा कहना पड़ा। अब विराट और नील भट्ट ने भाविका शर्मा की कास्टिंग पर चुप्पी तोड़ी है। गुम है किसी के प्यार में भारतीय टेलीविजन के दर्शकों का दिल जीत चुका है और ये छोटे पर्दे पर सबसे पसंदीदा शो में से एक है। शो में हाल ही में 20 साल का लीप आया, जिसके बाद नील भट्ट और आयशा सिंह को ना चाहते हुए भी जाना पड़ा। वही नई स्टार कास्ट की एंट्री हुई, जिसमें भाविका शर्मा विराट और सई की बेटी सवी का किरदार निभाती हुई नजर आई। वही शक्ति अरोड़ा ईशान की भूमिका निभाएंगे। इन दोनों के प्यार की इर्द गिर्द की कहानी आगे बढ़ेगी। अब नील भट्ट और विराट ने भाविका के कास्टिंग पर चुप्पी तोड़ी है। भाविका शर्मा के बारे बात करते हुए नील ने कहा कि वह उनसे शो के सेट पर मिले थे और उन्होंने बहुत अच्छे वाइब्स दिए थे। उन्होंने काकू, भारती पाटिल जी और परिवार सहित विभिन्न सीन्स में उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की। आगे नील भट्ट ने कहा, इसलिए जब मैं इन सीन्स को देखा तो मुझे वास्तव में लगा कि मैं गुम है किसी के फ्रेश एपिसोड को देख रहा हूँ। मैं कहानी में जुड़ सका कम से कम इसलिए क्योंकि मैं शो का हिस्सा रहा हूँ। टेलीचक्कर के साथ हाल ही में बातचीत के दौरान भाविका शर्मा ने खुलासा किया कि उन्हें गुम है किसी के प्यार में सवी का रोल कैसे मिला। एक्ट्रेस ने साझा किया कि उन्होंने अपने घर से ही ऑडिशन वीडियो रिकॉर्ड किया था। उन्हें भूमिका मिलने की बहुत कम उम्मीद थी। उसी दिन उन्होंने दो अन्य ऑडिशन भी रिकॉर्ड किए थे। हैरानी की बात यह है कि एक हफ्ते के अंदर ही उन्हें कॉल बैक आ गया। हालांकि भाविका को काम की शिफ्ट के संबंध में एक कॉल आया था, लेकिन वह निश्चित नहीं थी उसे फाइनल कर लिया गया है या नहीं। बाद में भाविका को पता चला कि उन्हें लीड रोल मिल चुका है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।